इधर यूक्रेन युद्ध के बीच में रूस ने अपने नए परमाणु हथियार की तैनाती का ऐलान किया। रूस के इस नए परमाणु मिसाइल में एक ग्लाइड व्हीकल लगा हुआ है। ये व्हीकल पारंपरिक मिसाइलों के मुकाबले अधिक रफ्तार से दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकता है। रूस का दावा तो ये भी है कि अभी तक किसी भी देश के पास इस मिसाइल को मार गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। शहर कैमरे में रूस का सबसे नया परमाणु बम देखिए। यह रूस का ओल्का पेंट वाला परमाणु हथियार है। परमाणु बम से लैस ये मिसाइल धरती पर कहीं भी परमाणु हमला करने में सक्षम है। रूस का यह एटम बम कहां जा रहा है? जिन परमाणु हथियारों को दुनिया के देश रहस्य के सात तालों में बंद करके रखते हैं, उसे पुतिन की सेना ऐसे खुलेआम कहां ले जा रही है? क्या रूस की सेना अपने सबसे नए परमाणु बम को लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचा रही है? क्या रूस की न्यूक्लियर फोर्स यहां परमाणु बम सेट कर रही है? क्या इस न्यूक्लियर मूवमेंट का मतलब परमाणु युद्ध है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये रूस की सबसे नई न्यूक्लियर मिसाइल है। रूस की ये मिसाइल कितनी खतरनाक है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस मिसाइल को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उल्का पिंड करार दिया है, क्योंकि रूस का दावा है कि इसे रोका नहीं जा सकता है। सवाल है, क्या इस शक्तिशाली परमाणु मिसाइल को आगे बढ़ाकर पुतिन ने एक बार फिर परमाणु खतरों को बढ़ा दिया है? क्योंकि जमीन से मार करने वाले किसी भी परमाणु मिसाइल को ठीक ऐसे ही साइलों में फिट किया जाता है। क्या इन तस्वीरों में परमाणु युद्ध का सिग्नल छिपा है? क्योंकि इस वीडियो के सामने आने के बाद परमाणु हथियारों की नई रेस शुरू हो गई है। रूस के इस वीडियो को पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन में इसे फॉरवर्ड करके देखा जा रहा होगा। इस वीडियो को बार बार रिवाइंड किया जा रहा होगा। दुनिया के सभी ताकतवर मुल्क में इस वीडियो को बार बार फॉरवर्ड और रिवाइंड कर इसकी विनाश लीला का आकलन करने में लगे हैं। रूस का दावा है कि यह मिसाइल ठीक उसी तरह से आगे बढ़ती है जैसे अंतरिक्ष में कोई उल्का पिंड, ठीक उसी तरह एक जलते हुए गोले की तरह। यह मिसाइल दुनिया के किसी भी देश पर परमाणु हमला कर सकती है। रूस की इस मिसाइल का नाम है एवनगार्ड मिसाइल। एवनगार्ड मिसाइल की तैनाती की नुमाइश कर रूस ने अपने दुश्मनों में हड़कंप मचा दिया है। एवनगार्ड हाइपरसोनिक गति से उड़ने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये किसी भी दूसरी मिसाइलों के मुकाबले कई गुना अधिक रफ्तार से हमला कर सकती है। एवनगार्ड मिसाइल 27 मैक यानी करीब 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करने में सक्षम है। रूस का दावा है कि एवनगार्ड मिसाइल 30 मिनट के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकती है। रूस की माने तो एवनगार्ड मिसाइल करीब 10 किलोमीटर की दूरी सिर्फ एक सेकंड में पार कर सकती है।
इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लगा हुआ है, जिससे इसको ट्रैक कर पाना काफी मुश्किल होगा। रूस का दावा है कि अभी तक किसी भी देश के पास इस हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। एवनगार्ड मिसाइल की मारक क्षमता 6000 किलोमीटर से अधिक है। इसका वजन लगभग 2000 किलोग्राम है। ये मिसाइल अपने साथ कई हथियार लेकर जा सकती है। रूस की सेना का मानना है कि इस मिसाइल के एक्टिव हो जाने के बाद उसके न्यूक्लियर फोर्स की ताकत कई गुना बढ़ गई है। इस मिसाइल को रूस के ओरेनबर्ग इलाके में 31 मिसाइल आर्मी के भूमिगत साइलों में तैनात किया गया है। रूस का दावा है कि यह मिसाइल जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है तो एवनगार्ड ग्लाइड व्हीकल रॉकेट से अलग हो जाता है और इसके बाद अपने लक्ष्य की ओर आवाज से भी 27 गुना अधिक स्पीड से बढ़ती है। सीप्री की रिपोर्ट के मुताबिक रूस में परमाणु हथियारों के लिए 3 संस्थाएं काम करती हैं। पहला रोसाटॉम, दूसरा 12वीं गोमो और तीसरा स्ट्रेटजिक रॉकेट फोर्स RVSM। रोसाटॉम रूस के परमाणु हथियारों के सभी तरह के विकास और उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। रूस के 10 शहरों में रोसाटॉम की खुफिया यूनिट है। रोसाटॉम में कुल 2.5 लाख लोग काम करते हैं, जिनमें से 95,000 परमाणु हथियारों के रिसर्च और विकास का काम करते हैं। बाकी के 1,55,000 लोग परमाणु बमों के प्रोडक्शन यूनिट में काम करते हैं। रूस की 12वीं गोमो परमाणु हथियारों के स्टोर, ट्रांसपोर्ट और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती है। 12वीं गोमो में करीब 50,000 लोग काम करते हैं, जिनमें से 45% अधिकारी हैं। वहीं स्ट्रेटजिक रॉकेट फोर्स RVSN साइलो और ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जिम्मेदारी निभाता है। इसमें 70,000 से अधिक लोग काम करते हैं। रूस के परमाणु तहखाने से लॉन्चिंग पैड तक लाने का कमान इसी न्यूक्लियर फोर्स के पास है। रूस के इस नए परमाणु हथियार के सामने आने के बाद अमेरिका की परेशानी बढ़नी लाजमी है। न्यू स्टार्ट समझौते के तहत अमेरिका और रूस दोनों देशों ने तय किया था कि वो अपने पास 1550 से ज्यादा परमाणु हथियार और 700 से ज्यादा स्ट्रेटजिक लॉन्चर नहीं रखेंगे। लेकिन इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो रूस के नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल पर ऐसे नए निर्माण नहीं हो रहे होते। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि रूस के सबसे बड़े परमाणु परीक्षण स्थल का काफी विस्तार हुआ है। ये रूस का नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल है। सैटेलाइट इमेज से साफ हो गया है कि साल 2021 से 2023 के बीच यहाँ कई नए निर्माण हुए हैं। यहाँ छोटी इमारतों का निर्माण हो रहा है, यहाँ बड़ी इमारतों का निर्माण भी दिख रहा है, करीब में ही निर्माण के लिए जमा किया गया सामान भी दिख रहा है। रूस का नोवाया ज़ेम्ल्या आर्कटिक महासागर का एक द्वीप समूह है और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इसके बंदरगाह पर जहाज और नए शिपिंग कंटेनर आ रहे हैं। वहाँ पहाड़ों में गहरी सुरंगें खोदी गई हैं, सुरंग का रास्ता भी दिख रहा है। न्यूक्लियर साइट पर हुए इस नए निर्माण से साफ हो जाता है कि रूस परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल रूस की सबसे बड़ी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट में शामिल है। नोवाया ज़ेम्ल्या रूस के उत्तर और यूरोप के पूरब उत्तर में आर्कटिक महासागर में एक द्वीप समूह है। नोवाया ज़ेम्ल्या मॉस्को से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। साल 1954 में पहली बार नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल को तैयार किया गया था। 1990 तक रूस यहां 132 मरतबा परमाणु परीक्षण कर चुका था। साल 1961 में यही रूस ने आज तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम ज़ार बम का विस्फोट किया था। अमेरिका के साइंटिस्ट मान रहे हैं कि अगर रूस परमाणु युद्ध की तरफ आगे बढ़ता है तो उसे 3 स्टेप में अंजाम दे सकता है और पहला स्टेप परमाणु परीक्षण का होगा। सवाल है, क्या परमाणु हमले का पहला राउंड शुरू होने जा रहा है? पुतिन के न्यूक्लियर वॉर टास्क लिस्ट में पहले नंबर पर नया परमाणु परीक्षण है। दावे के मुताबिक परमाणु परीक्षण की तैयारी 100% पूरी है। टास्क लिस्ट में दूसरे नंबर पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से अटैक है, जिसके लिए रूस की न्यूक्लियर फोर्स 24 घंटे तैयार रहती है। टास्क लिस्ट में तीसरे नंबर पर बड़ा परमाणु हमला है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ पुतिन ही आखिरी फैसला लेंगे।
परमाणु युद्ध को लेकर पुतिन क्या सोचते हैं, ये उनकी धमकियों से साफ हो जाता है। पुतिन साफ साफ शब्दों में नाटो को चेता चुके हैं और अब अपने नए परमाणु हथियार को दिखाकर दुश्मन देशों में खलबली मचाती है। रूस से आया वीडियो बता रहा है कि रूस की नई परमाणु मिसाइल भी अब साइलों में सेट है। ऐसे में आशंका इस बात की है कि अगर रूस और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा तो उसके विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी। सवाल है, जिस परमाणु बम से दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था, क्या उसी परमाणु युद्ध से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है?